मैं करुण शर्मा, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला प्रधान गुरदासपुर। मेरे नाल साडे युवा मोर्चा सूबा सकत्तर श्री गौरव राजपूत जी अज इत्थे गुरदासपुर पहुँचे ने विशेष तौर पर। अज का साडा जिहड़ा कार्यक्रम है ये साडे प्रदेश प्रधान श्री अश्विनी शर्मा जी दे दिशा निर्देशों अनुसार साडे युवा मोर्चा प्रदेश प्रधान श्री भानू प्रताप जी के नेतृत्व के पूरे पंजाब दे विच पूरे प्रदेश दे विच कीता जा रहा वा। साडा अज का जिहड़ा कार्यक्रम है ये है कि जिहड़ा सरकार ने पंजाब दे ओपन स्कूलों के 596 ओपन स्कूल जिहड़े हैगे ने पंजाब दे उन्हां दे विच दाखला लिया जिहड़ा बच्चों ने 31,000 बच्चों ने उन्हां दे नतीजे जिहड़े ने रोक दिते गए ने। साडी मंग वा ही मंग पत्र देण आए हैं डीसी साहब नूं, साडी मंग वा कि उन्हां दे नतीजे जिहड़े ने घोषित किए जाण। पंजाब सरकार ने जिहड़े रैगूलर बच्चे सी जिहड़े पंजाब सरकारी स्कूलों के प्राइवेट स्कूलों के जिहड़े रैगूलर बच्चे सी उन्हां दे नतीजे घोषित करते। ईवन केंद्र सरकार ने भी नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के सारे बच्चों के नतीजे जिहड़े आ वो बिना पेपर लवे घोषित कर दिते आ। तो असीं चाहते हाँ पंजाब सरकार उस तर्ज के जिहड़े पंजाब के ओपन स्कूलों के बच्चे ने उन्हां दे भी नतीजे घोषित करे, क्योंकि तुहानूं सारयां नूं पता है करोना महामारी करके इस साल किसी भी कक्षा के जिहड़े नतीजे पेंडिंग रहिंदे सी, चाहे वह दसवीं दे सी चाहे वह प्लस टू के तीन पेपर ही जिहड़े नहीं होए, दसवीं का इको पेपर होया ही बाकी पेपर नहीं सी होए तो किसी के भी नहीं होए। तो फिर जो सारे के नतीजे घोषित कर दिए गए तो इन्हां बच्चों के नाल इन्हां परिवारों नाल धक्का क्यों हो रहा है? ये सरकार जिहड़ी है लगातार धक्के कर रही है। जदों दी ये सरकार बनी है ये बेरोजगारी भत्ता तो घर घर नौकरी के नाते नौजवानों का धक्का किया, इन्होंने कर्जा माफ़ी के नाते किसानों का धक्का किया, पेंशन बंद करती, बुढ़ापा पेंशन बंद करती, सगन स्कीम बंद करती, विधवा पेंशन बंद करके बजुर्गों ना महिलावान ना धक्का किया। पिछे जी साडे दलित भरावां दे साडे दलित विद्यार्थियों के इन्होंने वजीफे खा ले जिहड़े कि उन्हां दा हक मार लिया, इन्होंने उन्होंने दलतां नाल धक्का किया। तो हुण ये जिहड़े साडे ओपन स्कूल दे विच बच्चे पढ़ते हैं ये वो बच्चे होंदे ने ज़्यादातर जिन्हां दे घर की माली हालत चंगी नहीं हुंदी, उनके माँ प्यो जिहड़े उन्हां नूं रैगूलर स्कूलों के नहीं पढ़ा सकते, उनकी इन्नी क्षमता नहीं हुंदी। ये बच्चों की पढ़न की चाह हुंदी है बट ये पढ़ाई का खर्चा अपना कढ़न दे लई ये नाल नाल कम भी करते हैं तो अपने घर की माली हालत भी सुधारते हैं तो नाल अपनी पढ़ाई का खर्चा करते हैं। तो उन्हां बच्चों का यह नतीजा रोक के उन्हां दा एक साल बर्बाद करना चाहते हैं, उन्हां नूं मानसिक तनाव दे रही है सरकार। यह सरकार धक्केशाही की सरकार वा। साडी मंग वा कि इन्हां नाल धक्का बच्चों नाल ना किया जाए, इन्हां परिवारों नाल धक्का ना किया जाए तो इन्हां दे नतीजे जिहड़े ने इह पंजाब सरकार घोषित करे। मैं गौरव राजपूत, भारतीय जनता युवा मोर्चा पंजाब दा सकत्तर, और मेरे नाल करुण शर्मा जी जिला प्रधान गुरदासपुर भारतीय जनता युवा मोर्चा। अज असी जिदा कि साडे भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक बीड़ा चक्किया वा, पूरे पंजाब मुहिम चलती भी है, और अभी 22 दे 22 जो डीसी साहब ने पंजाब के सारे मंग पत्र दिते ने, और मंग पत्र की रिगार्डिंग है वा कि भी जिहड़े 10वीं क्लास के स्टूडेंट इन्होंने बिना पेपरों तो सरकार ने प्रमोट करके 11वीं करते हैं वो ठीक है, जिहड़े बच्चों ने प्राइवेटली ओपनली पेपर भरे दे ही उन्होंने भविख बारे उन्होंने सर्टिफिकेट बारे उन्होंने डॉक्यूमेंट की बनाएंगे और उन्होंने जो भविख अदर में लटकया वा वो 31,000 की नफरी है। 31,000 साढ़े भरा भैन ने जिन्हें जिन्होंने पेपर भरे थे जिन्होंने सरकार ने कुछ भी जवाब नहीं दिता गा, और उन्होंने भविख कि सेव करा अभी वो बेड़ा चक्या वा। अज डीसी साहब को आए हैं और बेनती की कि भी जो साडे इलाके के भी ने पूरे पंजाब लैवल के जो बच्चे ने उन्हों का ध्यान दिता जाए, वो साडा मंग पत्र मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तक पहुँचाया जाए ता जो उन्होंने बच्चों का भी जो फ्यूचर आई सेव कर सकी।